नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। यदि आप राम मंदिर जाने का योजना बना रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी अहम और ज़रूरी है। दरअसल अब राम मंदिर में मोबाइल लेकर जाने पर रोक लगा दिया है। मंदिर निर्माण समिति इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ली गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर क्या है। अब आप राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर निर्माण समिति में फैसला किया गया है कि 25 मई से राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर कड़ी पाबंदी होगी। यह नियम आम लोगों पर ही नहीं बल्कि VIP के लिए भी लागू होगा। शुक्रवार को नुपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई। मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण पूरा करने और परकोटा निर्माण की डेडलाइन भी तय कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद तय किया गया है कि दिसंबर 2024 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर परकोटा का निर्माण भी मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए कॉलक रूम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ही मोबाइल बैन करने का फैसला किया गया है और यात्रियों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर परिसर के बाहरी मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान रखने की सुविधा उपलब्ध है। अब यात्रियों को व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना है। उन्होंने बताया कि मंदिर के चारों ओर 14 फीट ऊंचा परकोटा बनाया जाएगा। चंपत राय ने ये भी बताया है कि परकोटे के अंदर राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर होंगे। इसमें भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर भी शामिल होगा। मंदिर परिसर में एक साथ 25,000 लोग पहुंच सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में 2.7 एकड़ में किया गया है। इसकी ऊंचाई 161 फीट है। इस मंदिर में 390 पिलर है और 44 दरवाजे भी हैं। इस मंदिर में 5 हॉल हैं जिनका नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, शोभा मंडप और प्रार्थना मंडप है। गाइडलाइन के अनुसार राम मंदिर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पाबंदी कर दी गई है। चमड़े के बेल्ट, वॉलेट भी ले जाने पर मनाही है। भक्तों के कई जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लॉकर रूम की भी व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा कर सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं दी जाएगी और न ही किसी प्रकार की कोई पर्ची इत्यादि लेनी होगी। आरती के लिए पास लेने की भी जरूरत है। मंदिर में एंट्री के लिए भी कोई परमिशन या पास की जरूरत नहीं होगी।